हिमाचल की सियासत को बदलने आई आम आदमी पार्टी पहाड़ पे चढ़ती जरूर है मगर फिसल कर भी आ जाती है। पार्टी जिन पे भरोसा करती है वो वक्त आने पर किसी और के हो जाते हैं। याद ना हो तो याद करें, महीना अप्रैल का था, आप चढ़ाई करने की तैयारी कर चुकी थी, तभी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर, ऊना अध्यक्ष इकबाल सिंह बीजेपी के हो गए। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, आपको कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जो पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने में उनकी मदद कर सके, मगर जून के पहले हफ्ते में आपने हिमाचल प्रदेश की सभी इकाइयों को भंग कर दिया और नई टीम का गठन कर डाला। नई टीम में प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई। चेहरा अनजाना था मगर केजरीवाल को विश्वास था कि सुरजीत सिंह ठाकुर ही वो चेहरा है जो पहाड़ में जीत में मददगार साबित होंगे। आपकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, आपके हिमाचल प्रभारी सतेंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, आरोप लगाया आय से ज्यादा अधिक संपत्ति का। ये आपके लिए बड़ा झटका है क्योंकि आप अपनी ईमानदारी का दम भरती है। हमारी बिल्कुल कट्टर ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना बर्दाश्त करते हैं। फिलहाल तो आप यही बोल रही है कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है, मगर ईमानदार आप नेता के रिश्तेदारों के घर इतना कुछ मिलना सवाल तो खड़े करता है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 11 जून को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के टाउन हॉल में उनका संवाद कार्यक्रम रखा गया। उनका कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हमीरपुर संसदीय सीट से भी ताल्लुक रखते हैं। वह हमीरपुर से अनुराग ठाकुर सांसद भी हैं। इससे पहले मंडी और फिर कांगड़ा में केजरीवाल आ चुके हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता हिमाचल का रुख करने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के जिला प्रमुख सुदर्शन पटियाल ने कहा है कि गुरुवार को कार्यक्रम की जानकारी मिली है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर तैयारियां निर्धारित की जाएंगी। लेकिन अब देखना यही होगा कि पहाड़ की चढ़ाई आम आदमी पार्टी चढ़ पाती है या नहीं, क्योंकि जितनी बार भी आम आदमी पार्टी ने चढ़ने की कोशिश की है उतनी बार ही वो फिसल कर नीचे पहुंच गई है। हालांकि शिक्षा का मुद्दा नया है, आम आदमी पार्टी बोलती है हिमाचल में शिक्षा अच्छी नहीं, तो सीएम जयराम ठाकुर बोलते हैं कि शिक्षा में मुकाबला हमारा केरल से है। आम आदमी पार्टी जाती है स्कूलों में, स्कूलों की हालत दिखाती है, लेकिन जयराम ठाकुर नतीजे लेकर सामने आते हैं और बताते हैं कि दिल्ली हमारे आसपास नहीं। अब आने वाला ये तो वक्त बताएगा हिमाचल में आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल चल पाएगा या नहीं।